नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 25 सितंबर को जयपुर पहुंचे हैं, जहां पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करने से पहले धानक्या स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। इसके बाद पीएम मोदी जयपुर के दादिया में पहुंचकर ऐतिहासिक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा है कि गुलाबी नगरी में इस भव्य आदर सत्कार के लिए मैं राजस्थान की जनता को नमन करता हूं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी जन्म जयंती है। ये मेरे श्रेय भैरव सिंह शेखावत जी का भी शताब्दी वर्ष है। हम आज भी उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ सरकार चलाई है वो 0 नंबर पाने लायक है। पीएम मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि गहलोत सरकार ने यहाँ के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए हैं, इसलिए सरकार के लोगों ने ठान लिया है कि कांग्रेस सरकार को हटाएंगे और भाजपा को वापस लाएंगे। उन्होंने भाजपा की परिवर्तन यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा है कि राजस्थान में मौसम बदल चुका है। मैं राजस्थान के हर भाजपा कार्यकर्ता को और प्रदेश की जनता को इन सफल यात्राओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं जयपुर ऐसे समय में आया हूं जब देश का गौरव नया आसमान पर है। पीएम ने चंद्रयान का जिक्र करते हुए और साथ में चर्चा करते हुए यह भी कहा है कि आज पूरी दुनिया में भारत का साम्राज्य की वाह-वाह हो रही है। हमारा चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत की सफलता से भारत के विरोधी देश भी हैरान है, परेशान है। उन्होंने कहा कि भारत ने गणेश चतुर्थी के दिन अपने नई संसद भवन के काम काज शुरू कर दिए हैं और नई संसद में सबसे पहला काम भाजपा सरकार ने अपनी बहन बेटियों को समर्पित किया है। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है और ये मैं सिर्फ हमा में नहीं कह रहा हूं बल्कि बीते 9 वर्षों में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। पीएम ने कहा है कि जब नियत साफ होती है, जब खुद पर भरोसा होता है, तब गारंटी पूरी करना सरकार की पहचान बन जाती है। हमने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गारंटी दी थी और आज देश के भ्रष्टाचारियों पर कानून का जो डंडा चल रहा है वो सब देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि महिला आरक्षण का जिक्र करते हुए कि जो कांग्रेसी आज महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये काम वो 30 साल पहले कर सकते थे, जब जब मौका मिला तब कर सकते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे, कुछ वोटों के लिए तुष्टिकरण की पटाकष्टा को राजस्थान का समाज अच्छे से समझ रहा है। राजस्थान के सिर्फ इस चुनाव में ही नहीं, आने वाले हर चुनाव में घमंडिया गठबंधन को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा, वे जड़ों से उखड़ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में निवेश बढ़े, यहाँ नए कारखाने लगे, नए फैक्ट्रियां लगे, ये जरूरी है, लेकिन यहाँ कदम कदम पर करप्शन हो, यहाँ लाल डायरी में काली करतूते हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा। पीएम ने आगे कहा है कि जहाँ सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, वहां कैसे निवेश होगा। मोदी हवा हवाई बातें नहीं करता, क्योंकि मोदी के पांव पूरी मजबूती में जमीन पर ही रहते हैं, इसलिए बीते 9 वर्षों में हमने सामान्य से सामान्य लोगों की छोटी से छोटी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है। SUR भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल राजस्थान चौक के साथ।